नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एटीएम में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से एक नई वीडियो जो कि फीटर सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, किन के लिए है? फीटर सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले हमने और भी क्लास करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, पहले उन क्वेश्चंस को देख लीजिए, तब आप इसको पढ़िए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा सीक्वेंस से। अगर बिना सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने पाँच क्लास करा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। तो देखिए, इसमें यह इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि ये इंग्लिश में क्वेश्चन है तो ये थ्योरी का नहीं है, ये इम्प्लायबिलिटी का है। तो एक बात जान लीजिए कि थ्योरी और इम्प्लायबिलिटी आपका एक ही साथ पेपर होगा। तो ये जो इम्प्लायबिलिटी का क्वेश्चन है, ये थ्योरी में ही आपका दे दिया है। क्या किया है? थ्योरी में ही दे दिया है। तो इसलिए ये आप लोग ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोग इसको पढ़ के जाइए, या आपका थ्योरी या तो इम्प्लायबिलिटी दो में से किसी एक में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ कर जरूर जाइए, ये मत सोचिए कि आपका थ्योरी में दिया है तो नहीं आएगा, या आएगा। आपका थ्योरी या इम्प्लायबिलिटी दोनों में से किसी में भी आ सकता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज़ अ नेबरहुड, वन नीड नॉट फियर। इसमें आपका ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी है बिग, ऑप्शन सी सेफ, या फिर ऑप्शन डी एक्सपेंसिव। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A3, यानी कि सेफ होगा। क्या होगा? सेफ। चलिए आगे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज नॉट एनी एम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज़ अ प्लेस। ऑप्शन ए है पॉल्यूटेड, ऑप्शन बी ड्राई, ऑप्शन सी नॉइसी, या फिर ऑप्शन डी बोरिंग। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A4, यानी कि बोरिंग होगा। क्या होगा? A4, यानी कि बोरिंग। चलिए आगे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज़ अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज़ पॉल्यूटेड, ऑप्शन बी बोरिंग, ऑप्शन सी अननेवन, या फिर ऑप्शन डी है आपका होगा नॉइसी। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका A1, यानी पॉल्यूटेड होगा। क्या होगा? पॉल्यूटेड। देयर इज़ अ फैक्ट्री इन एरिया, जिसमें फैक्ट्री लगती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज़ अ वाटर स्कर्सिटी इन द लोकलिटी, द एरिया इज़ अनइवन, या फिर नॉइसी, ऑप्शन सी ड्राई, ऑप्शन डी बोरिंग। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो कि A3, यानी कि ड्राई। क्या होगा? ड्राई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल ड्यूरिंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द ट्रांसपोर्टेशन आर टू सम रूलर एरियाज इज डिफ़िकल्ट एज द रोड आर, ड्राई, ऑप्शन बी पॉल्यूटेड, ऑप्शन सी बोरिंग, या फिर ऑप्शन डी है अनइवन। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 55 नंबर क्वेश्चन का A4, यानी कि अनइवन होगा। क्या होगा? अनइवन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। ऑप्शन ए हॉबीज, ऑप्शन बी रनिंग, ऑप्शन सी वॉकिंग, या फिर ऑप्शन डी रीडिंग। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 56 नंबर क्वेश्चन का आपका होगा A1, यानी कि हॉबीज़। क्या होगा? हॉबीज़। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, वेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इन साइड और आउटसाइड द ITI इज़ ऑलवेज फॉर्मल। ऑप्शन बी फॉर्मल इन साइड द ITI, ऑप्शन सी इनफॉर्मल द ITI, या फिर ऑप्शन डी इनफॉर्मल आउटसाइड। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 57 नंबर क्वेश्चन का A1, यानी कि ऑलवेज फॉर्मल रहना है आपको, चाहे वो ITI के बाहर हो, चाहे ITI के अंदर हो। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स पीपुल टू फॉलो देम। ऑप्शन ए एलिवेट, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी इंस्पायर, या फिर ऑप्शन डी मोटिवेट। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन 3, A3, यानी कि इंस्पायर। क्या होगा आपका? A3, यानी कि इंस्पायर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, स्पोकन कम्युनिकेशन इज़ यूजली नॉट ओनली बट आल्सो। ऑप्शन ए फॉर्मल इनफॉर्मल, ऑप्शन बी वर्बल नॉन वर्बल, ऑप्शन सी वर्बल इनफॉर्मल, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मल नॉन वर्बल। इसमें का राइट आंसर होगा A2, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे, द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लीव इन इज़ कॉल्ड। इसमें आपका ऑप्शन ए है विलेज, ऑप्शन बी टाउन, ऑप्शन सी सिटी, या फिर ऑप्शन डी नेबरहुड। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा 60 नंबर क्वेश्चन का A4, यानी कि नेबरहुड, यानी कि पड़ोसी। नेबरहुड का मतलब होता है आपका पड़ोसी। ठीक है,
61 नंबर क्वेश्चन है, द कंडीशन इज़ इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड अ डेवलपमेंट ऑफ समबडी आर समथिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन ए नेबरहुड, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी लोकेलिटी या फिर ऑप्शन डी फैकल्टीज़। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो 61 नंबर क्वेश्चन का ए टू राइट आंसर होगा एनवायरनमेंट। क्या होगा? एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ पर्सन आर विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल, ऑप्शन ए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी ITI इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी रोल मॉडल या फिर ऑप्शन सी ऑप्शन डी सेल्स सुपरवाइजर। इसमें आपका राइट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का A3 यानी कि रोल मॉडल। क्या होगा? A3 यानी कि रोल मॉडल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन है, देयर डैश अ कॉफ़ी शॉप डैश द, इसमें आपका राइट आंसर होगा आर नेक्स्ट टू, ऑप्शन बी इज नेक्स्ट टू, ऑप्शन सी इज नेक्स्ट या फिर ऑप्शन डी आर नेक्स्ट। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A2 यानी कि इज नेक्स्ट टू। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर सिक्योरिटी स्कार्सिटी, इसमें आपका राइट आंसर होगा गिव्स, ऑप्शन बी गिव, ऑप्शन सी हेल्प या फिर ऑप्शन डी हेल्प्स। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 64 नंबर क्वेश्चन का A4 यानी कि हेल्प्स होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अपोजिट क्लीन एक्स हेल्थी एक्स, ऑप्शन ए डर्टी हेल्थी, ऑप्शन बी डर्टी हेल्थी, ऑप्शन सी डर्ट आर अनहेल्थी या फिर ऑप्शन डी डर्टी अनहेल्थी। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन A4 डर्टी एंड अनहेल्थी, अनहेल्थी मतलब कि अनहेल्थी। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट एन एडवेंचर, ऑप्शन बी क्लाइंबिंग माउंटेंस, ऑप्शन बी ट्रैकिंग, ऑप्शन सी सफरिंग या फिर ऑप्शन डी ड्राइविंग। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 66 नंबर क्वेश्चन का A4 यानी कि ड्राइविंग होगा। क्या होगा? A4 यानी कि ड्राइविंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड बोटिंग फिनिशिंग फिशिंग या फिर टूर। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा 67 नंबर क्वेश्चन का A1 यानी कि वो आगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, देयर आर मैनी डोज एंड डोंट टू बी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन दे, देखिए इसका ऑप्शन है देयर इंटरव्यू, ऑप्शन बी आइडेंटिफाई, ऑप्शन सी आइडेंटिफाइड इंटरव्यूड, ऑप्शन डी आइडेंटिफाइड इंटरव्यू। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 68 नंबर क्वेश्चन का A4 यानी कि आइडेंटिफाइड इंटरव्यू। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, ऑलवेज योर मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड, ऑप्शन नो इन, ऑप्शन बी नो ऑफ, ऑप्शन सी कीप इन या फिर ऑप्शन ई कीप ऑफ। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा उनसठ नंबर क्वेश्चन का A3 यानी कि कीप इन। क्या होगा? कीप इन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, द एवरेस्ट द पीक इन द वर्ल्ड इन टाइबेट, इसमें आपका राइट आंसर होगा हाई इज, ऑप्शन बी होगा हाइयर इज, ऑप्शन सी होगा हाईएस्ट आर या फिर ऑप्शन डी होगा हाईएस्ट इज। इसमें आपका राइट आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का A4 हाईएस्ट इज। क्या होगा? A4 यानी कि हाईएस्ट इज, हाईएस्ट इज। चलिए आगे आते हैं, विच लैंग्वेज इज इंसेशियल टू बिकम अ कंप्यूटर प्रोफेशनल, ऑप्शन ए मदर टॉट, ऑप्शन बी चाइनीज, ऑप्शन बी इंग्लिश या फिर ऑप्शन डी हिंदी। 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन A3 राइट आंसर होगा इंग्लिश। क्या होगा? इंग्लिश। चलिए आगे आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द साइनोम्स फॉर लॉयल, ऑप्शन ए फेथफुल, ऑप्शन बी प्रोस्परस, ऑप्शन बी अनटोपियन, ऑप्शन डी परफेक्ट। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 72 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए होगा फेथफुल। क्या होगा? फेथफुल। चलिए आगे आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है, एग्रेस व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी, ऑप्शन ए एग्रेसिव, ऑप्शन बी फॉर्मल, ऑप्शन सी इनफॉर्मल या फिर ऑप्शन डी कैजुअल। इसमें आपका राइट आंसर होगा 73 नंबर क्वेश्चन का जो कि होगा आपका A2 यानी कि फॉर्मल। चलिए आगे आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज़ द ड्रेसिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड
फ्रॉम एमॉन्ग द वर्ड गिवेन, ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी पुल या फिर ऑप्शन डी आपका होगा मैग्नीफिशियंट। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 74 नंबर क्वेश्चन का ए 4 यानी कि मैग्नीफिशियंट राइट आंसर होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, अ सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ डायरेक्ट कमांड इनवाइटेशन वार्निंग आर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी इम्प्रेसिव या फिर ऑप्शन डी एडजेक्टिव। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ए 3 यानी कि इम्प्रेटिव राइट आंसर होगा। क्या होगा? इम्प्रेटिव। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।